हेलो भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ब्लॉग में। दोस्तों, एशिया कप वुमेन्स T20 जो कि आज से शुरू होने जा रहा है, ये परफेक्ट टाइमिंग है ये आने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। और आपको बता दूं कि आज जो कि दो मैच तो खेला ही जाएगा, उससे पहले थोड़ा ग्रुप के बारे में बता देता हूँ कि 8 टीमों का यह ग्रुप एशिया कप है, और जिसमें दो ग्रुप में बांटा गया है। और आपको बता दूं कि इंडिया, पाकिस्तान, UAE, नेपाल एक ग्रुप में रहेंगे, और दूसरे ग्रुप में यानी कि ग्रुप बी में श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश। तो बहुत ही दिलचस्प रहेगा क्योंकि उधर राइवलरी टीम है श्रीलंका और बांग्लादेश, और इधर इंडिया पाकिस्तान है। और आज जो कि मैच खेला जाएगा 19 जुलाई 2024 के दिन आज दो मैच खेला जाएगा। और आपको बता दूं कि दो मैच, जो पहला मैच खेला जाएगा UAE और नेपाल के बीच दाम्बुला में दोपहर के 2 बजे, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच दाम्बुला में ही 7 बजे। और दोनों मैच आप देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे। और आज का जो बड़ा मैच है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। तो क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान का, जैसे कि लड़कों का ख़तरनाक मुकाबले होते हैं, क्या लड़कियों के भी वो देखने को मिलता है? मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कह सकते हो लड़कियों वाले मैच में, क्योंकि उतना राइवलरी देखने को नहीं मिलता लड़कियों में। हाँ, हम बोल सकते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जब मैच होता है, इंडिया इंग्लैंड का, इंडिया का न्यूजीलैंड का, इंडिया का साउथ अफ्रीका का, तब थोड़ा राइवलरी देखने को मिलता है। लेकिन पाकिस्तान की जो वुमेंस टीम है काफ़ी, अगर इंडिया वुमेंस से कंपेयर करें तो काफ़ी कमज़ोर टीम नज़र आती है। कुछ प्लेयर अच्छे ज़रूर है, टक्कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी हराया नहीं है इंडिया को, ज़रूर हराया है, लेकिन होप्स हो कि एक अच्छा मैच देखने को मिले। बिल्कुल एक तरफा मैच हो जाएगा तो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी में वो दम नहीं दिखता है। तो ऑल द बेस्ट एशिया कप के लिए इंडिया वुमेन्स, और आने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि एशिया कप तो इंडिया जीत ही जाएगा, और बहुत बड़ी तैयारी रहेगी कि इसमें से कौन कौन से प्लेयर को चॉइस किया जाए, नए नए प्लेयर्स को चॉइस किया जाए वर्ल्ड कप के लिए, और सीनियर प्लेयर्स के साथ कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। तो ये था एक छोटा सा अपडेट्स, और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।